ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके सो लेट्स से मैंने दो इक्वेशन लिखा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 6। दीज आर द टू इक्वेशंस। नाउ इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। ओके, देयर फॉर द नेम टू वेरिएबल। और वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है? x के ऊपर भी पावर 1 है, y के ऊपर भी पावर 1 है, मतलब दे आर लीनियर। ओके, सो टुगेदर वी कॉल दिस एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब अगर मैंने बोला कि सॉल्व दिस इक्वेशन मीन्स x एंड y की वो वैल्यू फाइंड आउट करो जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, मैं तुमको इस प्रॉब्लम सॉल्व करने का दो वे बताता हूं, ठीक है ना। पहला वे क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? ओके, वॉट विल डू? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x का कोएफिशिएंट सेम करूंगा, इक्वल करूंगा। यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 1। बट मुझे यहां भी क्या लाना पड़ेगा? 2 लाना पड़ेगा। सो व्हाट विल आई डू? इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं? बिकॉज मुझे x का कोएफिशिएंट सेम करना है। सो यू कैन सी दैट 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड दिस इज व्हाट, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। सो सब्ट्रैक्ट दिस, अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो अब ये कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट सेम हो गया। 2x माइनस 2x 0, 3y माइनस 4y माइनस y, 4 माइनस 12 माइनस 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 8। y की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। सिमिलरली मैं x को भी एलिमिनेट करना, y को भी एलिमिनेट करना चाहूंगा। अब यहां पे यू कैन सी दैट y का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। यहां पे y का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। एंड दे आर डिफरेंट राइट ना। सेम करेंगे, कैसे सेम करेंगे? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6y हो जाएगा, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 6y हो जाएगा। सो व्हाट आई डिड, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया किससे? 2 के साथ, एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। सो द थिंग विल बिकम 4x प्लस 6y इक्वल टू 8, और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 18। सब्ट्रैक्ट देम, 4x माइनस 3x x, दिस विल कैंसल आउट, 8 माइनस 18 इज माइनस 10, सो x इज माइनस 10। सो यहां पे अपने को x की वैल्यू क्या मिली? माइनस 10, एंड y की वैल्यू 8। नो, अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये दो वैल्यू x और y की इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो रख के देख लो। दिस विल बिकम माइनस 20 प्लस 24 विच इज 4, एंड यहां पे भी चेक करते हैं अपन, तो माइनस 10 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 6। सो यस, ये x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। आंसर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। नाउ आई विल सॉल्व सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट द प्रॉब्लम विद दिस मेथड इज, ऑल्दो यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे वे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? सी, मेथड टू, आई विल कॉल दिस एज अ मेथड टू, सेम क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड टू यूज करने के लिए मेक श्योर कि इक्वेशन का राइट हैंड साइड जीरो आ रहा है, नहीं है तो उसको बनाओ। कैसे मैंने राइट हैंड साइड जीरो बनाया? ये 4 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। सेम केस विद सेकंड इक्वेशन, आगे दो इक्वेशन।
अब इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट वे होगा, पहला वेरिएबल क्या है x, व्हाट इज द फर्स्ट वेरिएबल हियर x। अब मैंने क्या किया, ये x वाले टर्म को हाइड कर लिया, मीन्स इतने टर्म को हाइड कर लिया। सो व्हाट यू कैन से, यू कैन सी दिस पार्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो माइनस सिक्स इंटू कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, माइनस सिक्स इंटू थ्री दिस विल बिकम्स माइनस 18, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू माइनस 4 इज माइनस 8, ठीक है ना। माइनस सिक्स इंटू थ्री माइनस 18, फिर पुटा माइनस साइन, फिर इस वे में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू माइनस 4 इज माइनस 8। अब यही प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। व्हाट इज सेकेंड वेरिएबल, इट इज y, बट यहाँ पे हम लोग साइन अल्टरनेट करेंगे, x के साथ साइन प्लस है तो यहाँ पे माइनस y आ जाएगा, सेम। अब y को हाइड कर दो, y को हाइड कर दिया इतना पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस सिक्स इंटू टू माइनस 12, पुटा माइनस साइन, 1 इंटू माइनस 4 इट इज माइनस 4, ठीक है ना। इक्वल टू, पहला प्लस था देन सेकेंड माइनस, थर्ड क्या होगा, फिर प्लस आ जाएगा, इट इज प्लस 1 आएगा, यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट आएगा, 1 आता है, ठीक है। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो दिस विल बी वॉट, इसको हाइड कर दिया मैंने कॉन्स्टेंट टर्म को, तो दिस विल बिकम 4 माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, बस, येस यू गॉट योर आंसर। सो दिस इज वॉट, एक्स अपॉन माइनस 18 प्लस 8 विच इज माइनस 10, दिस विल बिकम माइनस वाई अपॉन माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8 इक्वल टू 1। तो यहाँ से x क्या आ गया, इफ यू कंपेयर दिस एंड दिस, x इज माइनस 10 एंड y क्या आ गया, माइनस माइनस कैंसल, y इक्वल टू 8। सो वी गॉट द सेम आंसर, x इक्वल्स टू माइनस 10 एंड y इक्वल टू 8, ओके। सो यू कैन सी दैट यूजिंग दिस मैथड इट इज टेकिंग लेस टाइम, राइट ना, यस।